नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा YouTube के अंदर जो वीडियो आता है वो ऑटो प्ले चलता ही रहता है, उसे अपना डेटा बहुत खर्च होता है, उसको कैसे बंद करना है तो वो मैं डिटेल बताता हूं आपको आज इस वीडियो में। इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले अपन YouTube ओपन कर लेंगे। तो YouTube को ओपन करके जैसे भी अपन होम स्क्रीन पर रुकते हैं तो अपने आप ही वीडियो चलने लग जाता है। आप मैं अभी दिखाऊंगा आपको इसके अंदर, या आप देख सकते हो, देखो ऊपर जो शॉर्ट्स है वो ऑटोमेटिक चल रहा है, उस पर क्लिक भी नहीं किया है लेकिन वो चल रहा है। अभी नीचे और वीडियो भी दिखाता हूं आपको। ये वीडियो चालू हो गया, देखिए अब ये वीडियो ऑटोमेटिक चलता ही रहता है। अपन ने इस पर क्लिक भी नहीं किया तो भी ये वीडियो ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो इसको बंद कैसे करना है इसके बारे में आज पूरी सेटिंग बताऊंगा। ये देखो नीचे एक वीडियो आया है तो ये भी ऑटोमेटिक ही चालू हो गया। देखो सेकंड भी चालू हो गए हैं और इधर से वीडियो भी चालू हो गया है। तो इसको बंद कैसे करना है, इसको बंद करने से अपना डेटा सेविंग भी होगा। तो अपन सबसे ऊपर जो राइट कॉर्नर के अंदर मेल आईडी का जो ऑप्शन दे रखा है वहां पे जाएंगे और सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते के बाद में कुछ इस प्रकार खुलेगा। इसके अंदर जनरल सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर ये प्ले बैक इन फीड्स का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करने के बाद इसमें ऑप्शन खुलेगा ऑफ का, ये ऑफ कर देंगे। ये ऑफ करने के बाद में अब अपना वीडियो नहीं चलेगा। तो चलते हैं वापस होम स्क्रीन पे, चलता है कि नहीं चलता है ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हो ये वीडियो होम स्क्रीन ओपन है लेकिन वीडियो नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार आप भी अपने मोबाइल के अंदर ये सेटिंग करके अपना डेटा बचा सकते हैं, ऑटो प्ले वीडियो नहीं होगा इससे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। और भी कोई आपको अपडेट चाहिए या कोई सेटिंग वगैरह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर नया वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से उसके बारे में बताऊंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।